हम लोगों का मजाक उड़वा रहे हो आप लोग, शर्म आनी चाहिए आपको। शाहीन अफरीदी नंबर वन बॉलर, तुझे चौके मारे हैं रोहित शर्मा ने, आर एस रम को पुल शाटू पे छक्के पड़े हैं। यार ये कौन सी बदतमीजी है मुझे बताओ। तो देखिए दोस्तों, पाकिस्तान का एक फैन है जो कि पाकिस्तान ने दोस्तों हार गई टीम इंडिया से वर्ल्ड कप में, और पाकिस्तान में टीवी तोड़ी जा रही, आप लोग देख सकते हैं लाइव। ये दोस्तों पाकिस्तान का आदमी है जो यहाँ पे टीवी तोड़ रहा, लाइव आप लोग देख पा रहे हैं। पाकिस्तान में जब जब इंडिया से हारते तब तब यहाँ पे टीवी तोड़ी जाती है, तो आप लोगों ने देखा। सुबह से मैच का वेट कर रहे हैं, कुछ करेंगे 152/2 190 पे ऑल आउट, 38 रन पे 6 विकेट घंटे देख गए हैं। और जो बैटिंग की है इंडिया ने, कोहली भी जल्दी आउट हो गया था। इंडिया के हर नंबर पे मैच विनर खेलने आता मेरे घंटों तो भाई इसकी वीडियो देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा। आप लोग देखा किस प्रकार से यहाँ पे पाकिस्तान में दोस्तों जितने भी फैंस हैं उनकी खलबली मच चुकी है, क्योंकि इंडिया में दोस्तों रोहित शर्मा का जलवा बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, रोहित शर्मा ने दोस्तों पाकिस्तान की वाट लगा दी और पाकिस्तान बुरी तरह से हार गया। एक बार अब बाबर आजम की कप्तानी खतरे में है दोस्तों। पाकिस्तान ने दबोच लिया पाकिस्तान को दोस्तों, भारत ने बेइज्जती करा दी। पाकिस्तान टीम ने ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे मीडिया में चारों तरफ दोस्तों पाकिस्तान टीम की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि बाबर आजम दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं किस प्रकार से एक्सपोज किया जा रहा। पाकिस्तान की टीम इतनी बुरी हार कभी आपने नहीं देखी वर्ल्ड कप में दोस्तों, 7-0 को 8-0 करवा के रख लिया दोस्तों बाबर आजम और शाहीन अफरीदी को। रोहित शर्मा ने खूब कुटाई कर दी, इतनी ज़्यादा कुटाई कर दी कि पूरे पाकिस्तान में खलबली मच चुकी है दोस्तों। इस वर्ल्ड कप में बुरी शुरुआत वर्ल्ड कप में दोस्तों पाकिस्तान की। पाकिस्तान कह रहा था हम दोस्तों इंडिया को हराएंगे, मगर इंडिया ने खुद पाकिस्तान को इस तरह से बुरी तरह से हराया, लताड़ा है। आप लोग देख पा रहे हो पाकिस्तान की इतनी बुरी हार आज तक कभी आपने नहीं देखा होगा टीम में। इस प्रकार की हार दोस्तों पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। पूरे वर्ल्ड कप में ज़बरदस्त तरीके से बुरी तरह हारी हुई है पाकिस्तान की टीम। जितने भी पाकिस्तान के चाहने वाले थे वो लोग खुद परेशान है, देख सकते फैंस कितना ज़्यादा परेशान है। अहमदाबाद में हिस्ट्री क्रिएट होगी, हिस्ट्री रिपीट हुई या क्रिएट नहीं हुई। देखिए पाकिस्तान फैंस रो रहा है, शर्म करो। ये विराट कोहली का फैन है, पाकिस्तानी है, मगर बहुत ही जबरदस्त तरीके से पाकिस्तान की बेइज्जती करता है। 50 के बाद भी नहीं खेली है बाबर आजम, अपने 50 तो कर गया था जब टीम। देखिए शोएब अख्तर ने किस प्रकार से जब टीम इंडिया की तारीफ कर दी और पाकिस्तान की कम खुद बुराई कर रहा है। शोएब अख्तर अभी तक दोस्तों कह रहा था कि इंडिया हार जाएगा पाकिस्तान से, मगर अब खुद शोएब अख्तर भी परेशान हो गया कि इंडिया किस प्रकार से दोस्तों ज़बरदस्त तरीके से, इंडिया में हर एक बल्लेबाज विराट कोहली, शुभमन गिल, रोहित शर्मा जैसे बल्लेबाज जब होते हैं तो कोई भी दोस्तों उसके सामने टीम टिक नहीं पाती है। महामुकाबला में भारत की महाजीत बौखलाए, बाबर छोड़ेंगे कप्तानी। अब दोस्तों देख सकते हैं कप्तानी जा सकती है बाबर आजम की। आप लोग क्या कहना चाहते हैं, क्या दोस्तों बाबर आजम के लिए दोस्तों ये रोहित शर्मा काल बनकर आए थे। बाबर आजम से भिड़ गए सिराज, बिल्ली बिनी भागे पाकिस्तान कप्तान। दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं किस प्रकार से, देख सकते हैं पाकिस्तान में मौतम छाया हुआ है दोस्तों, दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। किस प्रकार से लोग तड़प रहे हैं यहाँ पे देख सकते हैं कि पाकिस्तान दोस्तों इस तरह से दोस्तों गुल्ली डंडा की तरह ढेर हो गई है। 2011 वाला वर्ल्ड कप में जब हुआ था दोस्तों पाकिस्तान बुरी तरह से इंडिया से हारा था, वही हार दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं किस प्रकार से फिर से एक बार विराट कोहली की पलटन, रोहित शर्मा की पूरी यहाँ पे टीम ने दोस्तों पूरे पाकिस्तान में धज्जियाँ उड़ा दी। भारत की आंधी में उड़ा पूरा पाकिस्तान, झूम उठे मोदी। पाकिस्तान की इतनी बेइज्जती आज तक कभी नहीं हुई होगी। तो आप लोग क्या कहते हैं, क्या वर्ल्ड कप में कभी भी दोस्तों पाकिस्तान के खिलाफ में जो दोस्तों इंडिया कर रही है वो सही कर रही है? करने की करके दिखाना था, अगली गेम किसने चलानी थी, आगे मैच को किसने लेके जाना था, ये कोई तरीका है? ये क्लब की टीम उठा के लेके यहाँ से, टीम हार बंदा यहाँ पे कह रहा बंद करो टीवी, लानत भेजते हैं चीप, ये परफॉर्मेंस दिखाते हैं जी। मौसम साहब आपने 70% बिल्कुल सही दिया था, रोहित शर्मा की कप्तानी को नहीं लाए, जो सिराज मार खा रहा है उस सिराज को।